हेलो गाइज, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी लाइव क्लास के अंदर। मैं राकेश सर गाइज एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, बहुत कुछ नया सीखेंगे गाइज इस क्लास के अंदर। बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। जो डाउट्स हैं, एक स्टूडेंट का कल क्वेश्चन आया था, पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में मैं आपको और आगे क्लास ले जाऊंगा, सिखाऊंगा आपके लिए बहुत कुछ नया। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। और कोई भी पहले बताओ, बोर्ड कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। जल्दी से कमेंट करके बताएं, साउंड बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। सभी को गुड इवनिंग। तो आइए गाइस आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। पत्थर पर गुलाब खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। पत्थर पर गुलाब खिल रहा है, चिराग आंधी में जल रहा है। गाइस वही ख्वाब वही जुनून ए मेरा है, मैं भी वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है, जहाँ अंधेरा है। तो गाइस इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, उस स्टूडेंट के क्वेश्चन के साथ जो कल मेरे से उसने पूछा था। जल्दी से आप लोग वॉचिंग को बढ़ा लें और अपने जो भी फ्रेंड हैं उन सबको इन्वाइट कर लें। किसी को फिर लेट हो जाए, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आज हमें बहुत काम करना है, बहुत काम आज हम करने वाले हैं। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। बाकी आप लोग बताइए, साउंड क्लियर आ रही है? जल्दी से कमेंट करके यस लिखें, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो लिखें। बोर्ड कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी बता दें। तो गाइस आज की क्लास स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन के साथ जो स्टूडेंट ने पूछा था। मैं आप लोगों की हर एक प्रॉब्लम, हर एक डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आपको जरूरत है सिर्फ मेरे साथ जुड़ने की, सीखने की, समझने की। इस क्लास सेशन को जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सब में शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो। आज थोड़ा सा हम लेट हो गए थे किसी कारणवश, सबके काम आ जाते हैं, नहीं तो हमारा टाइम 4:30 का रहता है जैसा आप सभी को पता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए और उसका एक एक शब्द समझने की कोशिश कीजिए। समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता कोई बात नहीं। लगभग सभी स्टूडेंट की मैं बात करूं 50-70% क्वेश्चन जरूर समझ में आता है, कुछ स्टूडेंट के 100% भी आता है। ये उन्हीं के 100% आता है जो प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा है, मैं उसी का यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन को पढ़िए और हमारा टॉपिक आप सभी को पता है, कल मैंने स्टार्ट किया था इनविटेशन, और इनविटेशन भी कैसा, फॉर्मल इनविटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट इट, यू आर अर्जुन अपर्णा, आप अर्जुन अपर्णा हो। कोई लड़का है तो वो अर्जुन है, लड़की है तो अपर्णा है, कोई किसी भी नाम का है यहाँ कोई मतलब नहीं। आपको क्वेश्चन में ये नाम दिए गए हैं वो लिखना है। योर स्कूल Has been invited। अब देखो भाई यहाँ पे योर स्कूल को सब्जेक्ट बनाया गया है
और यहाँ पे हैज बीन लगाया है, तो योर स्कूल यहाँ पे देखो आपका नॉन डूअर सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में है। मैंने आपको पैसिव वॉइस सिखाए थे, उसमें आपको क्लियर किया था आपके स्कूल को हैज बीन इनवाइटेड, आमंत्रित किया गया है टू पार्टिसिपेट, भाग लेने के लिए इन एन इंटर स्कूल ऑन द स्पोर्ट पेंटिंग कॉम्पिटिशन, एक अंतर विद्यालय स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन में ऑर्गेनाइज्ड जो कि आयोजित की गई है बाय द लॉयंस क्लब, लॉयंस क्लब के द्वारा ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले के, जो कि आपके जिले के लॉयंस क्लब के द्वारा आयोजित की गई स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन जो प्रतियोगिता है उसमें आपके विद्यालय को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। जैसे हमारे सबके विद्यालय हैं उनमें बच्चों को आमंत्रित किया जाता है कि आपको अपने विद्यालय से 3 बच्चों के नाम भेजने हैं, उनको ड्राइंग करनी है, सीखना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को स्कूल के अंतर्गत उसमें पेंटिंग वगैरह के लिए भाग लेने के लिए आपको बुलाया जाता है। तो यहां तक आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आगे से देखिए, एज जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी के रूप में ऑफ द पेंटिंग क्लब, पेंटिंग क्लब के, ऑफ का मतलब क्या होता है के, देखो एक चीज बताऊंगा आपको कि जब भी कोई सेंटेंस प्रीपोजिशन से जुड़ता है तो इसकी इंग्लिश ऐसे उल्टी स्टार्ट होती है। पेंटिंग क्लब के जनरल सेक्रेटरी के रूप में ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के, रेस्पोंड, रेस्पोंड का मतलब होता है जवाब देना, रेस्पोंड का मतलब क्या होता है जवाब देना, जवाब दीजिए टू द इन्विटेशन, इस इन्विटेशन का, इन एक्सेप्टिंग, जिसको आमंत्रित स्वीकार किया है, इट इसे फॉर्मली औपचारिक रूप से, जिसको आपने फॉर्मली जो स्वीकार किया है उस इन्विटेशन का आपको रिप्लाई देना है। जल्दी से गाइज वॉचिंग को थोड़ी सी और बढ़ा लें। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। एक बार पुणे में आपकी जानकारी के लिए इसको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन टेढ़ा है, पहले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सरल नहीं है, लेकिन यहाँ समझ गए तो बिल्कुल सरल आपको लगने वाला है। यू आर अर्जुन अपर्णा, आप अर्जुन अपर्णा हो, लड़का है अर्जुन, लड़की है तो अपर्णा। योर स्कूल हैज बीन इन्वाइटेड, आपके विद्यालय को इन्वाइट किया गया है टू पार्टिसिपेट, भाग लेने के लिए इन एन इंटर स्कूल, एक इंटर स्कूल में ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन, जो कि स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन में ऑर्गेनाइज जो कि आयोजित की गई है बाय द लॉयंस क्लब ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले के लॉयंस क्लब के द्वारा, आपके जिले के लॉयंस क्लब के द्वारा जो कंपटीशन आयोजित किया गया है उसमें आपके विद्यालय को भाग लेने के लिए क्या किया गया है, आमंत्रित किया गया है एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ योर पेंटिंग क्लब ऑफ योर स्कूल, रेस्पोंड द इनविटेशन इन एक्सेप्टिंग इट फॉर्मली। तो जनरल सेक्रेटरी के रूप में आपको फॉर्मली इसका क्या देना है, जवाब देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसने आमंत्रित किया है, किसने आमंत्रित किया है आपको, ये आपको आमंत्रित किया है इस लॉयंस क्लब ने, किसने आमंत्रित किया आपको, लॉयंस क्लब ने आपको आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले आपको लॉयंस क्लब को धन्यवाद देना है। अब धन्यवाद देने वाला कौन है, ये लेटर हमको मिला है, ये जो इनविटेशन लेटर मिला है किसको मिला है, हमको, और हम ही धन्यवाद देंगे, भाई हमारे स्कूल को आमंत्रित किया है तो धन्यवाद कौन देगा, हम देंगे। तो यहाँ पे देखो नाम लिखा है अर्जुन या अपर्णा, और अर्जुन अपर्णा कौन है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पेंटिंग क्लब ऑफ योर स्कूल। तो यहाँ पे ये लिख दो, नाम लिख दो, पहले सबसे पहले लिख दो इसका नाम अर्जुन या फिर अपर्णा, अर्जुन या फिर अपर्णा नाम लिख दिया। अब यहाँ पे ये कौन है इसका पद लिख दो, द जनरल सेक्रेटरी लिख दो कोमा लगा के, द जनरल सेक्रेटरी
जनरल सेक्रेटरी, किसका सेक्रेटरी? ऑफ द पेंटिंग, ऑफ द पेंटिंग क्लब। पूरा मैं प्रश्न में से सारा लेके लिखना सिखा रहा हूँ भाई। पेंटिंग क्लब ऑफ योर स्कूल, यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए। स्कूल का नाम कॉमा लगा के लिख दो, जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अगापुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अगापुर। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया हो क्वेश्चन करें, पूछें और क्लास सेशन को लाइक करते रहें, शेयर जरूर कर दें भाई। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। समझ में आ रहा हो यस करें, और कोई डाउट हो वो पूछें। तो यहाँ तक देखिए मैंने क्या लिखा। सबसे पहले ये नाम लिखा अर्जुन अपर्णा, और ये अर्जुन अपर्णा कौन है? ये जनरल सेक्रेटरी है आपके स्कूल की पेंटिंग क्लब का, वो मैंने लिखा। अब ये क्या दे रहा है? धन्यवाद। तो धन्यवाद देने को कहते हैं थैंक्स। ये अकेला धन्यवाद दे रहा भाई, अर्जुन है अथवा अपर्णा, तो सिंगुलर मैंने क्या कहा? थैंक्स लिखना है। क्या लिखना है? थैंक्स। अब धन्यवाद किसको देना है? धन्यवाद देखो ये किसको दे रहा है? आपको आमंत्रित किसने किया है? आपको आमंत्रित किया है लॉयंस क्लब ने। तो लिख देंगे थैंक्स, थैंक्स द लॉयंस क्लब, थैंक्स द लॉयंस क्लब। अब लॉयंस क्लब को धन्यवाद देना है। लॉयंस क्लब कहाँ पे है? लॉयंस क्लब देखो अगापुर भरतपुर जिले में पड़ता है, तो आप यहाँ पे द लॉयंस क्लब भरतपुर लिख सकते हैं। भरतपुर कोई बाड़मेर लिख सकता है, कोई जयपुर, जो भी लिखो कोई बात नहीं, इसमें दिया नहीं है। इसमें लिखा है योर डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट का, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिया भरतपुर। अब क्यों आप धन्यवाद देते हो उसके लिए? तो धन्यवाद किस लिए? फॉर द काइंड इन्विटेशन, फॉर द काइंड इन्विटेशन। ये मैंने कल आपको लाइन लिखाई थी, फॉर द काइंड इन्विटेशन। अब किस चीज का इन्विटेशन है? ये देखो यहां पे लिखा है टू पार्टिसिपेट इन एन इंटर स्कूल ऑन द स्पोर्ट पेंटिंग कॉम्पिटिशन, इस कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए। तो यहां लिख देंगे इस चीज को टू पार्टिसिपेट, पूरी लाइन लिख दो इन। अब यहां पे देखो वो एन कह रहा है एक, तो आप इसको विशेष बना दो, दा लगा के लिख दो इन द इंटर स्कूल ऑन द स्पॉट पेंटिंग और कॉम्पिटिशन, पूरा लिख दो भाई कॉम्पिटिशन, इस कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए। अब देखो मैंने आपको कल एक चीज लिखाई थी कि जो भी प्रोग्राम होगा उसका टाइम डेट डे और स्थान, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। तो आपको पहले लिखना है टाइम, तो लिख दिया एट, और टाइम लगभग लिख दिया मैंने 10 बजे का, एट टेन, ये अच्छे से लिखता हूँ, पूरा साफ लिखता हूँ, at 10 AM 10 बजे। अब किस दिन है वो बाहर लिख दो, ऑन, जैसे मैंने लिखा मंडे, ऑन मंडे, और फिर लिख दो डेट कॉमा लगा के, वो भी डेट, और डेट से पहले आपको पता है ऑन आता है ऑन। अब वो डेट लिख दो, जैसे आज तारीख है 12, तो मैं लिख देता हूँ 15 का, ऑन 15 सितंबर 2020। किसी स्टूडेंट को दिखाई नहीं दे रहा हो वो बताएं, कमेंट करें, पूछें, और कॉपी पेन लेके भाई लिखा करें।
सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब यहाँ तक लिख दिया 2020, उसके बाद में आपको स्थान का नाम लिखना है। अब देखो ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हो रही है, लॉयंस क्लब के द्वारा आयोजित कराई जा रही है। तो लॉयंस क्लब कहाँ पे है, भरतपुर। तो आप लिख दो स्थान का नाम, स्थान का नाम लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ पे लॉयंस क्लब, लॉयंस क्लब और भरतपुर, लॉयंस क्लब भरतपुर यहाँ तक लिखा। एक बार दोबारा समझाऊंगा, बड़े प्यार से समझाऊंगा, कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ आपको बने रहना है क्लास सेशन के लास्ट तक। बहुत अच्छा, आप सभी थोड़े से देखो वॉचिंग और बढ़ाएं भाई, वॉचिंग और बढ़ाइए। अब आपको करना क्या है, इसको एक लाइन को आपको छोड़ना है, एक लाइन को आपको छोड़ना है। उस लाइन को मैं ऊपर लिख रहा हूं, थोड़ा नीचे सही से दिखेगा नहीं। एक लाइन आपको नीचे छोड़नी है और ऊपर लिखना है। देखो यहां पे धन्यवाद देने वाला अकेला है तो लिखना है आपको ही, और ज्यादा है तो लिखना है दे। तो यहां लिखेंगे ही हैज, ही हैज ग्रेट प्लेजर। ये लाइन सब में लिखनी है भाई, ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग, इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, 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 टी ए टी आई ओ एन, इन्विटेशन। यहां तक आपका ये इन्विटेशन लिख के कंप्लीट होता है। आप यहाँ ही की जगह आप और भी लिख सकते हैं, ही द सेक्रेटरी ऑफ, ये पूरा लिख सकते हैं, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ही से आपका काम चल जाएगा। अब दोबारा देखो समझो मैंने यहाँ पे क्या किया। सबसे पहले मैंने क्या कहा, धन्यवाद देने वाले का नाम, इसमें पूरा नाम दिया गया है कि तुम अर्जुन अपूर्णा हो, तो अर्जुन अपर्णा है वो धन्यवाद देने वाला हो गया। अब कौन है ये, उसका फिर हमने साथ में पद भी लिख दिया, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पेंटिंग क्लब, और नाम लिख दिया स्कूल का, क्योंकि वो स्कूल कह रहा था। यहाँ पे पूरा लिख दिया यहाँ पे। अब ये दे रहा है धन्यवाद, धन्यवाद देने वाला सिंगल होगा तो थैंक में लगाएंगे एस, या प्लूरल होता तो लिखते थिंक। अब किसको धन्यवाद दे रहा है वो लिख दिया, किसको धन्यवाद दे रहा है, लॉयंस क्लब भरतपुर को, तो लॉयंस क्लब भरतपुर, बाड़मेर भी, जो भी आप अपने मन चाहे जिले का नाम लिख सकते हो, क्योंकि इसमें उसने जिक्र नहीं किया है। अब फॉर द काइंड इन्विटेशन, आप यहाँ पे देयर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे दा लिखा क्योंकि सिंगुलर है, देयर प्लूरल के लिए, द सिंगुलर के लिए, फॉर द काइंड इन्विटेशन। यहाँ तक मैंने आपको जब पिछला इन्विटेशन सिखाया उसमें जिक्र किया था। तो अब देखो मैंने प्रश्न का सारा लिया, यहाँ से टू पे से लिखा, टू पार्टिसिपेट, टू पार्टिसिपेट इन द इंटर स्कूल, है ना, ऑन द स्पोर्ट पेंटिंग कॉम्पिटिशन, ये प्रश्न में से लिखा यहाँ तक। अब मैंने कहा जो भी प्रोग्राम होगा उसका टाइम, दिन, टाइम दिन, उसके बाद में दिनांक, और फिर लिखना है स्थान का नाम, ये चीज आनी चाहिए। उसके नीचे आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है, ये अगर प्लूरल है तो लिखना है दे, दे के साथ लगाना है, या ही सिंगुलर है तो लगाना हैज, ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, और इसको आपको बंद करना है एक चार दीवारी के अंदर, चार दीवारी के अंदर बंद करना है इस तरीके से। ये आपका एक फॉर्मल इनविटेशन बनके तैयार हो गया, एग्जाम में आपके लिए चार नंबर का आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जल्दी से कोई स्टूडेंट की समझ में नहीं आया हो, प्रॉब्लम हो वो पूछें, किसी स्टूडेंट को इसमें कुछ पूछना हो पूछें। जल्दी से पूछें, स्क्रीनशॉट ले लें
और कॉपी पेन लेके बैठा करो, जिससे एक एक मैं स्टेप बीच में समझाता हूँ तो वो बेहतर तरीके से क्लियर होता है। पुष्पेंद्र गुर्जर, नो प्रॉब्लम सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, प्रॉब्लम ही नहीं रहना चाहिए। और देखो, इस क्लास सेशन को आपको अकेला नहीं सीखना। एक चीज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो इंसान सिर्फ अपना भला चाहता है ना, उसका कभी भला नहीं होता, और जो इंसान दूसरों का भला चाहता है उसका सबसे पहले होता है। जितनी खुशियां हम बांटते हैं उससे डबल खुशियां हमारे पास लौट के आती हैं। जैसे आप कमरे में बोलोगे तो उसकी आवाज आपको सुनाई देगी, गूंज सुनाई देगी, ठीक उसी प्रकार से आपकी अच्छाइयाँ डबल होके लौटती हैं। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि आप किसी और को सीखने का अवसर दें, उसको भी वीडियो सेंड करें। इस वीडियो से मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट का भला हो। मैं इसलिए आता हूं, मेरे को कोई आपसे लोभ लालच नहीं है, किसी पैसे का लोभ लालच नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि सिर्फ आपका भला हो। आपकी जो COVID-19 यानी कोरोना के अंतर्गत पढ़ाई जारी रहे। तो गाइज, आप सभी को आई होप ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो गाइज, फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।